और ये तक कहा जाता है कि आप अगर सच्चे मन से यहाँ पे प्रार्थना करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। आपको यहाँ पे ना हर किस्म की मच्छियाँ मिलती हैं, बहुत लोग सांप मच्छी के नाम से भी जानते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे और आपके चैनल एक दिन में। आज का दिन, नया दिन, नया एक्सपीरियंस, नया कहानी, अब यहाँ से आगे बढ़ने का समय आ गया। लेकिन ये जगह बहुत याद आएगा क्योंकि सुबह उठ के वो चिड़ियों का आवाज़ से आप उठते हैं, फिर आप घूमते हैं, ये गांव देखते हैं जिनसे आपको अपने आप ही प्यार हो जाएगा, और फिर आपको प्यार करने वाला आपका फैमिली। जब आए थे बिल्कुल अनजान थे और एक ही दिन में वो फैमिली का प्यार मिल गया, तो ये सब चीज़ को मिस करेंगे, बट डेफिनेटली लाइफ है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं, अब बढ़ते हैं आगे, नया जगह, नया जर्नी और नया कहानी। तो चलिए, फिलहाल के लिए हम ये फैमिली से अलविदा लेते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं वादा करके जा रहा हूँ कि आगे फिर हम जरूर तो फिर क्या, आशीर्वाद लेते हुए साथ ही साथ आने का प्रॉमिस करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और पकड़ते हैं ट्रक, हमारा बेस्ट साधन किसी भी जगह जाने के लिए। और यहाँ पे हमारी जर्नी कंटिन्यू हो गई डिब्रूगढ़ के लिए सुबह के 7 बजे। आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अब आप डिब्रूगढ़ पहुँचते हैं ना, डिब्रूगढ़ पहुँचने से पहले आपको मिलेगा ये जगह जो काफ़ी खूबसूरत है, नाम है इसका बोगीबिल ब्रिज। अब आप बोलेंगे कि इतना सारा ब्रिज आपको मिला होगा, फिर ये ब्रिज ऐसा खास क्यों है? बोगीबिल ब्रिज जो है वो एशिया का सेकेंड सबसे लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, और ये ब्रिज 2002 में स्टार्ट हुआ था और बनने में भी इसको 200 महीने लगे थे, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में बनाया गया है, और ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। आपको बता दूं ये ब्रिज का सबसे खास बात क्या है ना, कि ये अर्थ को एक जोन में पड़ता है, 7 मैग्नीट्यूड तक इजिली बच सकता है। नहीं नहीं, खास बात ये नहीं है कि ये अर्थ को एक जोन में पड़ता है, खास बात ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा ब्रिज है जो वेल्डेड स्टील वो आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल, जो पूरा वेल्डेड स्टील कंक्रीट सपोर्ट से बनाया गया। अब जब आप बोगीबिल ब्रिज क्रॉस करते हैं और आपको इस तरह से पूरा टी प्लांटेशन दिखता है, हर तरफ चाय का खेती हो रहा है, हर तरफ चाय का बगान है, आप समझ जाइए आप पहुंच चुके हैं डिब्रूगढ़ पहुंचने के बाद हम स्टार्ट करते हैं घूमना और कवर करेंगे वो सारी चीज़ें जिसके वजह से डिब्रूगढ़ फेमस है, और क्या क्या ऐसा एक्साइटिंग है डिब्रूगढ़ में वो देखना। इसके लिए हम सबसे पहले पहुंचते हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल। आप में से बहुत सारे लोग जगन्नाथ टेम्पल को पुरी के नाम से जानते होंगे, पुरी जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। जगन्नाथ टेम्पल वहीं का पहला मंदिर है जिसका हूबहू रूप से एक मंदिर डिब्रूगढ़ में भी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे इस मंदिर में, आप देखेंगे जो वाइब आ रहा है आपको, बिल्कुल पीसफुल, कितना शांति और काफ़ी खूबसूरत। आप ये देखिए कितना खूबसूरत है ना, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और ये तक कहा जाता है कि आप अगर सच्चे मन से यहाँ पे प्रार्थना करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तो बस फिर क्या, मैं यहाँ पे भगवान से आशीर्वाद लेता हूँ। और बाहर निकलता हूँ,
लेकिन मैं जैसे बाहर निकलता हूँ ना, मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ काम चल रहा था। एक से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटर्स हैं जो इतना खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं, काफ़ी टैलेंट है। वाकई किसी ने सच ही कहा है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो बस यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मुझे लगा हुआ था भूख, सुबह से आए कुछ अभी तक खाए नहीं है, और पहले मंदिर जाना था, इसके लिए पहले कुछ खाएंगे नहीं, पूजा होने के बाद कुछ खाएंगे। तो बस फिर क्या, अब यहाँ पे खाते हैं कुछ स्पेशल चाट। यहाँ पे ना आसाम में आपको ज़्यादातर जगह में ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको इस तरह से पूरा मिक्स करके आपको एक तरह का हेल्दी कुछ स्नैक्स टाइप हो गया। वाकई टेस्ट काफ़ी लाजवाब। तो बस अब बढ़ते हैं अगली मंजिल की ओर। तो जैसे ही मैं डिब्रूगढ़ में रहता हूँ, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। मेरा दोस्त जिसका नाम है दीपक, वो मिले हमें डिब्रूगढ़ में, और उन्होंने बताया डिब्रूगढ़ में ना सबसे फेमस है यहाँ का सनसेट, और फिर वो हमें लेके जाते हैं सनसेट की ओर, जहाँ पे सनसेट होता है। मेरा आपको अभी करंट फीलिंग बताता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या खास ही हो जाएगा उस सनसेट में, क्या ही मज़ा आता है लोगों को सनसेट देखने में। पर जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, यहाँ का वाइब पता नहीं क्यों बिल्कुल अलग सा एहसास दिला रही है। और जब मैं देखता हूँ ये, ओ भाई साहब, मैं वाकई काफ़ी गलत था जो मैं ये सोच रहा था कि क्या ही मज़ा आता होगा। आप देखिए क्या व्यू है यहाँ पे। और ये जो है ना, जो नाव लेके जा रहे हैं दो लोग, और वो जब सनसेट के पास पहुंचते हैं, आप ये पिक्चर देखिए, वाकई काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी खूबसूरत है। और जो आप ब्रह्मपुत्र रिवर के सामने खड़े हैं, और जो आपको हवा आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा जो लग रहा है, काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस, वाकई काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अमेजिंग है। अब खैर यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना अच्छा सुकून, इतना अच्छा आनंद आ रहा है। क्या करते हैं, थोड़ा देर यहाँ पे बैठते हैं और आप इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए, फिर बढ़ेंगे आगे। मज़ा आया आपको ये व्यू, ये माहौल देखने में? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अब कुछ पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं सनसेट से निकलने के बाद, और आपके मन में भी ना एक डाउट आता होगा कि शाम को ऐसा क्या देखने का मज़ा है, शाम को ऐसा क्या चीज़ देखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, शाम को सबसे जो अच्छा पॉइंट है वो है आपको मार्केट घूमना चाहिए। तो बस फिर क्या, हम पहुंच जाते हैं डिब्रूगढ़ के सब्जी मार्केट। आलू ले लो, कांदे, जहाँ पे आपको मच्छी से लेके फल तक सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं मच्छी मार्केट से, क्योंकि सामने वही था। आपको मन में आ रहा होगा कि फिश मार्केट में ऐसा क्या मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ना हर किस्म की मच्छियाँ मिलती हैं। आपको जो खाना है, प्रॉन से लेके आपको टोपर्स, क्रैब्स, शार्क्स, आपको यहाँ पे हर तरह की मच्छियाँ मिलेंगी। ये देखिए, ये है आपका इल मच्छी, बहुत लोग सांप मच्छी के नाम से भी जानते होंगे, लेकिन मैं जब इसको सामने देख रहा हूँ ना, वाकई ये सांप वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, और मुझे थोड़ा सा मन में डर लग रहा है। बट ठीक है, ये नया एक्सपीरियंस है, एंड ऑब्वियसली काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब काफ़ी हरा भरा मार्केट है। जब हम बच्चे थे और क्लास में हल्ला करते थे, तो हमें टीचर कहते थे कि ये कोई मच्छी मार्केट है क्या? तो मच्छी मार्केट में ऐसा क्या हल्ला होता है, चलिए आपको वो थोड़ा सा फील देता हूँ। ये है आपका मीट मार्केट, जहाँ पे आपको चिकन, मटन, देसी मुर्गा अवेलेबल है। तो बस मीट मार्केट देखने के बाद में
हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और ये देखते हैं सब्जी मार्केट। आपको बताऊं डिब्रूगढ़ में ना ये मार्केट काफ़ी आपका रौनक होता है। रौनक इसलिए कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे शाम को अगर कुछ नहीं भी खरीदना है ना तो घूमने भी आते हैं। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। और वो घूमने का भी मजा ना अपने में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। आपको नई नई चीजें बिल्कुल देखने को मिलेगी यहाँ पे। और ये देखिए आप नींबू, जिसमें आप 15 आदमी इजीली खा सकते हैं। ये नींबू का यहाँ पे प्राइस पता है आपको कितना है? ये है आपका 2 रुपए का, काफ़ी है मुझे। और ये लास्ट, ये है आपका फल मार्केट। अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें से आपने कौन सा फल नहीं खाया है इतने सारे फलों में से। हाँ, मुझे भी 2-3 फलों के नाम नहीं पता है, लेकिन कीवी का नाम ज़रूर पता है, क्योंकि जब प्लेटलेट्स डाउन हो, डेंगू हो, तो कीवी आपका सबसे बड़ा दवाई है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो डिब्रूगढ़ में बस इतना ही है देखने के लिए, इतना चीज़ें हैं इंजॉय करने के लिए। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ मिस हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे अगले डेस्टिनेशन पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।